आज हम सीखेंगे मोबाइल के द्वारा आधार ई केवाईसी कैसे की जाती है। मोबाइल पर आधार ई केवाईसी करने के लिए सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउज़र ओपन करते ही इसके सर्च बार में हमें एमपी एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट डालनी होगी। एमपी एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट है www.shikshaportal.mp.gov.in। इसे डालकर हमें सर्च करना होगा। जैसे ही हम इसे सर्च करते हैं तो एमपी एजुकेशन का पोर्टल ओपन हो जाता है। एमपी एजुकेशन पोर्टल पर जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर में ई केवाईसी का ऑप्शन ब्लिंक हो रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा जिसमें लिखा है आधार ई केवाईसी प्रोसेस। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है पहली बार, फिर दूसरी बार भी मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर दर्ज करना है, फिर कैप्शन एंटर करके ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओटीपी प्राप्त करने पर क्लिक करेंगे तो जो नंबर आपने इसमें दर्ज किया है उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, वो ओटीपी नेक्स्ट पेज पे आपको डालना है। नेक्स्ट पेज पे ओटीपी डालते ही एक और पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना आधार नंबर प्रविष्ट करना है। आधार नंबर प्रविष्ट करते ही जैसे ही आप ओटीपी प्राप्त करने के लिए क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके उस नंबर पर जाएगा जो आधार नंबर से लिंक होगा। आधार नंबर से लिंक होगा उस नंबर से ओटीपी लेकर आप जैसे ही ओटीपी प्रविष्ट करेंगे आपका आधार ई केवाईसी पूर्ण हो जाएगा। थैंक यू सो मच।